बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है तो उनके लिए हम जुलोजी का ये पेपर लेके आए हैं कि जुलोजी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि आपको 2022 का टॉपर बनना है ना तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। मतलब कि यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लिख के आएंगे पेपर में, मतलब मेरा गारंटी सिर्फ ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में छप रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। मैं आपको बोल रहा हूं कुछ मत पढ़ो यार, यही आ रहा है। और एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको केवल 7 से 10 क्वेश्चन दूंगा, 7 और 10 के बीच में क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, पेपर में वही आता होगा, जब पक्का बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो आपको क्या करना होगा, अब आपको ये तो पता होगा कि भाई मैं आपको किसी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से है और सेकंड सेमेस्टर में है, मत कहना कि मैं गोरखपुर से हूं या मैं बरेली यूनिवर्सिटी से हूं, आगरा यूनिवर्सिटी से, कुछ दिक्कत नहीं है, सबका सिलेबस एक है, सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन करिए, नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना paperhacker.in पर जाकर, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे चैनल है खिलाड़ी भाई XYZ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा प्यार दो यार, उस पर मेरा ब्लॉग आएगा, ठीक है, मतलब मैं खुद उस पर ब्लॉगिंग करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ब्लॉग नहीं चला मैंने, खिलाड़ी भैया XYZ के नाम से आपको देखने को मिलेगा। अब यहां देखिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर की बात करने वाले हैं, और यहां है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, पहला क्वेश्चन पर टिक लगा लो, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। पेपर हैकर और सारी मैनेज के केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के, फिजिक्स के, मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं, आप वीडियो देख पाएंगे प्ले लिस्ट में जाकर, या फिर बीएससी भाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेना, बीएससी भाई पेपर हैकर पर भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन आपको कर रहा है, और क्लासिफिकेशन जब करोगे तो ये 3 भागों में डिवाइड हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, एक हुआ है मोनोसैकेराइड में, एक हुआ है पॉलीसैकेराइड, एक हुआ है ऑलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स में, ये 3 भागों में डिवाइड हुआ है, 3 भागों में कार्बो हाइड्रेट्स को बांटते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व क्या है, उनके गुण बताओ, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में आपको देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो बुक में, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, महत्व और गुण के बारे में, लिपिड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता क्या है, उसका महत्व बताओ, कितने सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद में टोटल आप बना बना के लिखोगे, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अमीनो एसिड इसे कहते हैं ये, ठीक है, 20 प्रकार के बॉडी में पाए जाते हैं, इसको बताओ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के प्रकार 3 याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेंगे, एक है कोएंजाइम, एक होता है एसोएंजाइम, एक होता है एपोएंजाइम, इनको पढ़ लेना, क्रियाविधि इनकी, इनके देखो ये बोला गया है क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि, एक्शन किस तरीके से करते हैं हमारी बॉडी में एंजाइम, इनके नामकरण पद्धति के बारे में आपको बता देना है, समझ रहे हैं ना। चलो यहां देखो ये आ गया, एक समीकरण है जिसे कहते हैं मिकेलिस मेंटन समीकरण, मिकेलिस मेंटन समीकरण जो आप देख रहे हैं, देखो मिकेलिस मेंटन समीकरण जो आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में देखने को या फिर लॉन्ग में देखने को मिलेगी। इसको देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, क्रैब्स चक्र क्या होता है, क्रैब्स चक्र के बारे में, क्रैब्स साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रैब्स साइकिल मैं नीचे बताऊंगा, देखो क्रैब्स चक्र के नाम के आएगा ये। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन आता है साइट्रिक अम्ल क्या होता है, जिसे हम सिट्रिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। सिट्रिक अम्ल के बारे में आप देखो एटीपी का निर्माण कैसे होता है, विटामिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% पेपर में छपेगा, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है, ये चीज। और उसके बाद में देखो ये तो मैंने अभी बताया ना, क्रैब्स चक्र, क्रैब्स साइकिल, जो क्रैब्स साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, क्रैब्स चक्र, यूरिया, यूरिया चक्र भी कह सकते हैं, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उनके जब एक महत्व के घटक के बारे में पढ़ के जाना, मोस्ट देखो पढ़ लेना, एग्जाम से 2 दिन पहले 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा, आप इन क्वेश्चनों को अभी पढ़ो, बस कुछ मत पढ़ो, इन क्वेश्चनों को रटो, बस पढ़ना है, इन क्वेश्चनों को रटना है, और इन्हीं क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन दूंगा एग्जाम से पहले, कि भाई अब बस लास्ट में ये पढ़ के चले जाओ, पेपर दे आओ, जाओ पास हो जाओ अच्छे नंबर से। अब देखो यहां कह रहा है, यहां कह रहा है मनुष्य का पाचन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना। ऑक्सीजन पृथक्करण चक्र इसको बोलते हैं, देखो ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब कि रुधिर के अंदर ऑक्सीजन किस तरीके से
अब्सॉर्ब होती है, फिर वो किस तरीके से रिएक्शन करती है वो सब आपको देखना है, ठीक है। ब्लड के अंदर एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, अभी हमने देखा था रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन, यहां कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देख लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना हृदय की धड़कन, जिसे हम हृदय स्कंदन बोलते हैं, हमारा जो हृदय है जो स्कंदन धड़कता है वो कैसे कैसे पोजिशन में, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, अधिक धड़केगा तो नियंत्रण कैसे करेंगे, कम धड़केगा तो नियंत्रण कैसे करेंगे, वो चीज आपको यहां देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, बहुत ज्यादा सहयोगी ऊतक, यहां कह रहा है रक्त एक सहयोगी ऊतक है, इसका कथन की पुष्टि करिए, 100% पेपर में छपेगा, 100% छपेगा, आपसे कहेगा भाई ये बताइए कि रक्त एक सहयोगी ऊतक है, आप इसको कथन की पुष्टि करिए, अपनी भाषा में बता देना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है रक्त स्कंदन क्या होता है, रक्त स्कंदन, देखो रक्त स्कंदन का मतलब होता है कि रक्त का थक्का बनने की क्रिया, ठीक है, क्लोटिंग भी बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जमने की क्रिया कैसे होती है, जब हमारा हाथ कट जाता है तो कुछ देर बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, पीला पीला कलर का प्लाज्मा जम जाता है, थक्का जम जाता है, वो क्यों जम जाता है, क्रिया कैसी है, किस कैसे बनता है, वो आपको यहां प्रोसेस बताना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां देखो नेफ्रॉन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूत्र का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट है 100%, ठीक है। यह है बोमन का कैप्सूल, बोमन का कैप्सूल क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन लार ग्रंथि जो होती है हमारे, लार तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना, ये जोड़ देख लेना मुंह में पाई जाती है, इनके बारे में पढ़ के जाना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, जो आपको इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ के मतलब एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 50% याद हो जाएगा, यदि गलती से आ जाता तो बना बना के आप लिख दोगे, लास्ट में आपको दो दिन पहले मैं बता दूंगा भाई ये क्वेश्चन पढ़ लो बस पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब देखो यह है थ्री एफ हार्मोन को हम आपातकाल हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, थ्री एफ हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन, यह है पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से बोलते हैं, ठीक है। अब यह लेगरहंस की दुपिगाएं अग्न्याशय में पाई जाती है, पेनक्रियास में लेगरहंस की दुपिगाएं पाई जाती है, इंसुलिन की कमी इनके द्वारा होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन यही स्रावित करती है। यहां देखिए यह है काइट चक्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यह है नर्वल, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, इसको देख लेना, ठीक है, नर्वल साइकिल सेल्स बोलते हैं, नर्वल सेल्स के बारे में आता है, या फिर नर्व सेल्स बोल सकते हैं, या इसको हम दूसरी भाषा में न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ये देख लेना। और पेशी ऊतक क्या होता है, पेशी ऊतक के प्रकार, ठीक है, इसके पेशी ऊतक क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, बस यही पढ़ना है 2022 में आपको, बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, और आप लाएंगे 85% प्लस। एग्जाम से दो दिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन होंगे, वही पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा, बस छुट्टी, बाकी कुछ ज्यादा फोर्स मत दो, इस दिमाग को ज्यादा इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं, और आप सही चैनल पे आ चुके हैं, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर, जो आपको काफी अच्छे तरीके से गाइड करता है, और एक रास्ता वो बताता है जहां आपको सही रास्ता होता है और वहां जाना चाहिए आपको, ठीक है, और आप इस रास्ते से चलते हैं और एक सफलता प्राप्त करते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आपके जितने भाई बहन सखी सवेल जो भी हैं, सहेली कह सकते हैं, सखा है, वो सबको शेयर कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो भी आपका ये कह सकते हैं कॉलेज ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर, चैट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब पर शेयर कर दो वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।